सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज तो मैं सतविंदर पाटिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड कनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हूं। आज फिर बेहद एक्साइटेड हूं क्योंकि आज फिर वेडनेसडे है। तो वेडनेसडे नु की हुंदा है, एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आंदा है। सो एक्सप्रेस एंट्री का एक होर ड्रॉ आया है। सो आज सारा ड्रॉ, पूरी डिटेल, पूरा एनालिसिस थोड़े नाल शेयर करांगे। उस तो पहला छोटी जी रिक्वेस्ट, तुसी चैनल ते नवे हो और चैनल हुन तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल जरूर सबसक्राइब कर दियो, क्योंकि इस चैनल से असी बहुत सारिया कनेडियन इमीग्रेशन दिया न्यूज, अपडेट, टिप्स, ट्रिक्स थोड़े नाल शेयर करने हैं। तुहानू वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज नाल, ताकि उन्हां दा भी बेनीफिट हो सके। नाल दे नाल बैल आइकन जरूर दबा दियो, क्योंकि ये वीडियो उसी तरह थोड़े तक पहुंचता है जो असी अपलोड करने हैं। सो बिना होर देर कीतियां होया शुरू करने हैं अज का बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि हैगा एक्सप्रेस एंट्री का। एक्सप्रेस एंट्री का तीजा ड्रॉ आया है इस साल का, थर्ड एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ 2024 का यह ड्रॉ आया है। हर ड्रॉ का अपना एक नंबर होंदा है। इस ड्रॉ का नंबर है 281, 281 इस ड्रॉ का नंबर है। सो गवर्नमेंट की वैबसाइट तो यह ड्रॉ की इन्फॉर्मेशन थोड़े सामने कुछ इस तरीके नाल है। यही गवर्नमेंट की वैबसाइट तो कई बार इनू पढ़ना समझना थोड़ा जहा मुश्किल हो जाता है। आप एक एक करके लाइन बाय लाइन सारी हाईलाइट थानू दसते जाने। सो हाईलाइट की गल करिए सब तो पहला ड्रॉ कद आया। ड्रॉ आया 31 जनवरी, जनवरी का आखिरी दिन है 31 जनवरी 2024, बुधवार वेडनसडे। ये ड्रॉ 31 जनवरी नू आया, यानी कि अज और अज ही यह वीडियो थोड़े तक पहुंच रहा है। सो किन्ने लोगों नू बुलाया गया? 730 लोगों नू बुलाया गया। और किस तरह का ड्रॉ है? ये ड्रॉ हैगा जनरल। और जो ड्रॉ दे विच अगर असी गल करिए तो सीआरएस सब तो इंपॉर्टेंट है। सीआरएस 541 सीआरएस स्कोर है। पिछले ड्रॉ का मुकाबला अगर असी करिए, जो कि 23 जनवरी नू आया सी ट्यूसडे, पिछले ड्रॉ का अगर मुकाबला करिए 23 जनवरी वाले का, तो यह 2 पॉइंट सीआरएस घट गया है। सो अच्छी गल है, सीआरएस 2 पॉइंट कटिया। ऑल्दो मेरी उम्मीद ज्यादा सी, लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट ही कटिया। टाई ब्रेकिंग रूल जो है जुलाई जोड़ा है 15 2023 का लगे है। सो सब तो पहला मुबारक हर उस बंदे नू जिस बंदे का ITA आया है। और मुबारक इस करके क्योंकि मैं फिर उही गल दोहरावांगा, एक गोल्डन टिकट है, ये हर किसी के हाथ नहीं लगता। उन्हां कोलों पुछो जिन्हां दा एक एक दो दो पॉइंट करके रह जांदा है। सो थोड़े हाथ एक गोल्डन टिकट लगे है, प्लीज इनू ठीक तरीके ना इस्तेमाल करो। खुद कर सकते हो बहुत चंगी गल है, जे तुसी खुद नहीं कर सकते, थानू लगता है थानू किसी प्रोफेशनल हैल्प की लोड़ है, ये जिंदगी इको बार थोड़े को मौका आया है तो तुसी इनू खुंझाना नहीं चाहते, तो तुसी किसी प्रोफेशनल को रीच करो। मेरे को रीच कर सकते हो, राइट, वी कैन ऑलसो टेक केयर ऑफ इट। ITA तो बाद भी असी थोड़ी फाइल ले सकते हैं। सो आपां चलने हैं हुण मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुबारकां तो बाद एनालिसिस की तरफ। सो एनालिसिस की गल करिए, उस तो पहला एक बार फिर, क्योंकि लोगों नू हजे भी मैं देखना कन्फ्यूजन है, मेरे को पुछते ने। सो मैं एक्सप्रेस एंट्री की एक बार फिर थोनू एनालिसिस ते जान तो पहला एक बार फिर जड़ा कहने दी रूपरेखा दसते हैं कि हुंदी की है। एक्सप्रेस एंट्री क्विकली दसीए तो दो हिस्सों डिवाइडेड है, फैडरल और प्रोविंशियल। फैडरल की गल करिए तो 3 हिस्सों च, फैडरल स्किल ट्रेड, फैडरल स्किल वर्कर और CEC। 3 हिस्से ने, बाय द वे, जिन्हां चो CEC का ड्रॉ नहीं आ रहा। और मैं बहुत कोशिश कर रहा अपने लैवल से, मैं एक पटीशन भी डायर करने की कोशिश कर रहा कि पटीशन लाया जाए और मिनिस्टर साहब तक अपनी गल पहुंचाई जाए कि भाई CEC का एक्सकलूसिव फिर फड़ लैणगे बहुत सारे लोग। ऐसे बड़े सारे बैठे ने जिहड़े वर्ड्स नू पकड़दे ने। मैं बार बार दोहरा रहा CEC की वारी आती है, लेकिन मैं एक्सकलूसिव CEC के ड्रॉ की गल कर रहा। CEC का एक्सकलूसिव ड्रॉ नहीं आया और 2 साल तो नहीं आया, सिर्फ एक कैटेगरी हैगी है लेकिन ड्रॉ नहीं आता। सो उन्हां कोलों पुछो जिहड़े बैठे हुए ने, ना कि मेरी गल नू पकड़ो इत्थे। तो प्रोविंशियल की गल करिए, प्रोविंशियल जिहड़ा PNP हैगी है, और सारा अगर कोई भी चीज ना होवे ते स्पेसीफाई ना कीती होवे ते इहनू जनरल ड्रॉ कहिंदे ने। नो प्रोग्राम स्पेसीफाइड कहिंदे ने, ऑल प्रोग्राम कहिंदे ने, जिस तरह मर्जी कह लो, लेकिन ये जनरल ड्रॉ, यानी कि कितों भी जिदा भी CRS हैगा
ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਸੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੀਜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ CRS, ਤੇ CRS ਕੀ ਸੀ। ਸੋ CRS ਜੇ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ CEC ਡਰਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ CEC ਡਰਾਅ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕੱਢੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਰਾਅ। ਸੋ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤੀਜਾ ਡਰਾਅ ਹੈ, ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਡਰਾਅ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਡਰਾਅ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਡਰਾਅ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। 730 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ 2,00,000 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ 730 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰਾਅ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਡਰਾਅ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਡਰਾਅ ਹੈ 730 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰਾਅ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਐਸਟ ਡਰਾਅ ਹੈ 730 ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 3,280 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1,500 ਵਾਲਾ ਡਰਾਅ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, 1,500 ਤੋਂ 1,000 ਤੇ ਆਏ, 1,000 ਤੋਂ 730 ਤੇ ਆਏ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। 3,280 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਰਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਿੰਨੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜਨਰਲ ਡਰਾਅ ਨੇ, ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਅ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜਾ ਐਸਪੈਕਟ CRS, ਤੇ CRS ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ CRS ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10-15 ਪੁਆਇੰਟ ਘਟੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ CRS ਸਿਰਫ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਿਆ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘਟਿਆ, ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 546, 543 ਤੇ 541 ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਰਾਅ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਡਰਾਅ ਹੋਏ ਨੇ, 10 ਤਰੀਕ, 23 ਤਰੀਕ ਔਰ 31 ਤਰੀਕ। 10 ਵਾਲਾ 546, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 543 ਤੇ 541। ਸੋ 541 ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਮਾਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੱਕ 541 ਤੱਕ। ਤੇ ਅਗਰ CRS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ CRS ਘਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ 2-2 ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। CRS ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ CRS ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 646 ਲੋਕ ਸੀ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 534 ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘਟਿਆ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘਟਿਆ ਲਾਲ ਐਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਘਟਿਆ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰਸ ਬਜਾਏ ਘਟਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 6,900 ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ 7,900 ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆਲਮੋਸਟ 1,000 ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 59,000 ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਥੇ 60,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਾਂ ਤੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਵਧਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੈਟਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ, PNP ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ, ਥੱਲੋਂ ਉਤਲੇ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
राइट, नंबर्स अपने आप सब कुछ बोल देते ने, लोग चाहे कुछ भी बोलते रहे, ये नंबर्स ने ये झूठ नहीं बोलते, राइट। सो आप अगे चलने हैं, मैं थोड़ा दसिया ही है कि 500 तो उत्ते CRS लेना बहुत मुश्किल है और बिना PNP दे, बिना LMIA दे या बिना फ्रेंच दे पॉसिबल नहीं है। सो ये थोड़े सामने सिचुएशन है। तो ऑल्टरनेटिव वेडनसडे, आज फिर वेडनसडे ड्रॉ आया है, पहले ट्यूजडे आ रहा सी, हुण पता नहीं की चाहते ने कि ट्यूजडे करेंगे ड्रॉ कि वेडनसडे करेंगे, ये आप ही शायद कंफ्यूज ने, क्योंकि पहला वाला ड्रॉ इन्होंने जो इसको पिछला ड्रॉ सी वो ट्यूजडे नु कीता सी, सो ये वाला वेडनसडे नु आया है। वेडनसडे एक्चुअली इन्हों की डेट हैगी है जो कि पिछले इन्ने टाइम तो फॉलो करते हैं। सो नैक्सट ड्रॉ कद आएगा मैनू नहीं पता, बट मैनू शायद लगता है कि कल भी कढ़ लैन, क्योंकि यह नंबर बहुत छोटा दिता है इन्होंने। सो थर्सडे यानी कि कल एक ड्रॉ आन की उम्मीद है, तो हो सकता है कि वह ड्रॉ आ जाए। तुम पुछोगे किस तरह का ड्रॉ, अगेन मैनू पता नहीं है, राइट, बट मैं गैस थोड़े नाल डेफिनेटली कर सकना वा, मे बी कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ आए, और कैटेगरी बेस्ड भी तुम कहोगे जी 6 कैटेगरिया ने कि ड्रॉ आ सकता है। मैनू इो लगता है कि जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ आया तो या हैल्थ केयर का आएगा तो या IT का आएगा। सो ये चीज हो सकती है, बट जिमें कि मैं हमेशा कहना हर केस वखरा है, हर सिचुएशन वखरी है। तुसी अपना केस साडे नाल डिस्कस करना चाहते हो, मोर दैन वेलकम, अपॉइंटमेंट बना के साडे नाल गल कर सकते हो। साडा इको एक ऑफिस है ब्रैम्पटन दे विच, एड्रैस, ईमेल ID, फोन नंबर सब कुछ इत्थे तुहाडे नाल शेयर्ड है। तो बेहद जरूरी गल, चैनल नहीं हुण तक सबसक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दिओ, क्योंकि टीम बहुत मेहनत करके सारा डाटा सारी इनफॉर्मेशन सब तो पहला थोड़े तक लियाने की कोशिश करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।